दफा 370 के खात्मे के बाद मरकजी सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर के लीडरान को बातचीत के लिए तलब कर रही है। अगर कई लीडरान जेलों में बंद है, क्या ये बातचीत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अच्छा साबित हो सकती है? आइए देखते हैं यहाँ के मकामी लोग इस बातचीत के हवाले से क्या तासुरात रखते हैं। लीडरशिप इस चलान इंडिया मज चाहे कस तारबार गशी दिस हकस मजी मज गो वन तान वह सहलब हिंदुस्तान या कश्मीर या विदेशी आ तमिस सोचु ना मज जुलम गो जिस मतलब पार्टी योर तरान सह तरह राजभवन कि अपरी गा राजभवन हाउस अपरी गवर्नर हाउस अपरी वापस गा लोकल बूथ हाँ टोटल कह चाहे तुम सिविल वर्दी मज फौजी तुम्हें लोकल पापुलेशन यह लोकल पापुलेशन क्या लोकल पापुलेशन से तुम वो इस टीम योर तुम वो ना लोकल ये इम कत बसान युद्ध गाम कत फेर इन फेर इन पुछन इन तु क्या यहाँ ये मज गए ये बताएगा कि 24 जून को जो बातचीत होने वाली है मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर के लीडरान के दरमियान, आप इस बातचीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि दफा 370 के बाद ये पहली बातचीत होने वाली है। इसमें तो यही देखा जा रहा है कि कोई इलेक्शन की भी तैयारी हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बनाई है तो कम से कम को अपना हक मिलना चाहिए कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं दिल्ली। अभी जो 24 तारीख को इनको मीटिंग करना है कश्मीर के बारे में, जो भी इधर का लीडर होगा या बाहर का लीडर होगा, जो भी बातचीत करना है वो कश्मीर के हक में होना चाहिए। जैसे 2 जून बात गाजी तो पूरा उम्मीद कि दफा 370 फुटरुकमो तो उपर कि पुन हक मिलन पुन वापस तो बेस राहत करना 200-300 रुपये कमाता है, 400 रुपये कमाता है, इतने महीने से घर में बैठ के था, किसने देखा इधर क्या कौन आया इधर? चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया या हिंदुस्तान का कोई मिनिस्टर आ गया? आप लोगों को क्या हो गया इधर? इधर कितने लोग मर गया, बच्चे लोग मर गया, बूढ़े लोग मर गया, गोलियों से मर गया, लेकिन हक होना चाहिए कश्मीर का। कश्मीर के हक में कोई भी फैसला करेगा वो अच्छा होना चाहिए। लोगों को इस बातचीत से यही तवक्का है, जो इन्हें 5 अगस्त 2019 को छीना गया है वो चाहते हैं कि वो स्टेटस में वापस मिल जाए। मेहरान पठौर, इरशाद हुसैन की एक खसूसी रिपोर्ट द कश्मीरियत के लिए।